हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा ये ब्लॉग फिफ्थ सर्विसिंग के ऊपर है। तो अभी हम ऑलरेडी अंदर ही पहुंच चुके हैं सर्विस सेंटर के यहाँ पे, और हम आपको बताएंगे जो भी इसका जो एक्सपेंस है और जो जो काम होने वाला है। ऑलरेडी शायद से हमको एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग चेंज करने को नहीं लगेगा शायद से, क्योंकि हमने लास्ट सर्विस फोर्थ सर्विस में हमने चेंज किया था। तो आप हमारा फोर्थ सर्विस का हम आपको लिंक डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी बाइक जो टोटल राइड हो चुकी है वो है 10,117। तो चलिए मिलते हैं सर्विस सेंटर में डायरेक्ट। तो बाइक सर्विसिंग के लिए आ चुकी है फिफ्थ फ्री सर्विस। उसके बाद से हमको जो सर्विस होगा वो पे करना होगा। तो आप देख सकते हैं बाइक की कंडीशन दोस्तों। तो हमारे बाइक पे काम दीप रंजन जी कर रहे हैं, और ये इंजन फ्लश ऑयल है, दिखाइए रहा भाई साहब, ये 3M का इंजन फ्लश ऑयल है। तो इसको इंसर्ट करके हमको 10 मिनट रखना होता है आइडल, ताकि जो भी अंदर स्लज वगैरह जो जमा होता है गंदा ऑयल पूरा मतलब पूरा तरीके से निकल जाएगा। तो अभी ऐसे ऑयल तो अभी से हम 10 मिनट ऑन करके आइडल रखेंगे बाइक को, उसके बाद पूरा ऑयल चेंज करेंगे। दोस्तों चेन का प्ले चेक कर रहे हैं, ये ज़्यादा ही प्ले है तो इसे टाइट कर रहा हूँ, लूज हो गया है। ठीक है, तो चेन सेटिंग हो चुका है और आप देख सकते हैं प्रॉपर प्ले है। अभी यहाँ से चेन सेटिंग होती है या तो पॉइंट मार्जिन होते हैं उसके थ्रू करते हैं। तो ऑयल चेंज कर रहे हैं हम दोस्तों, आइडल रख के 10 मिनट हो चुका है। तो ये चेंज करने के बाद ऑयल फिल्टर भी चेंज करेंगे और नया वाला ऑयल फिल्टर रिप्लेस करेंगे। अभी ऑयल फिल्टर निकालेंगे और चेक करेंगे, वो तो रिप्लेस करना ही होता है एवरी ऑयल चेंज पर। ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे दोस्तों, और ये जैसे कि हम एवरी टाइम करते हैं जेन्युइन वही है ऑयल, टीवीएस का ट्रू कोर सिंथेटिक ऑयल। नया वाला डाल रहे हैं। आगे का ब्रेक पैड ओपन हो रहा है, चेक करेंगे। वैसे लास्ट टाइम इसका लास्ट सर्विस फोर्थ सर्विस में ब्रेक पैड चेंज किया था, इसे वाइप करके घस के पॉलिश पेपर से वो उसको वापस से फिक्स करेंगे। ये ब्रेक पैड निकाला है, एक बार देख सकते हैं, काफ़ी थिकनेस ठीक है, ज़रूरत नहीं रिप्लेस करने की, इसे पॉलिश पेपर से घस के वापस से लगा देंगे पॉलिश पेपर से। थोड़ा सा ऑयलिंग कर ग्रीसिंग करके लगाएंगे, क्या लुब्रिकेंट पूरा चला गया था।
आगे का टायर का ब्रेकर भी लग चुका है। अभी हम से टैंक निकालना पड़ेगा ताकि ये, क्योंकि ये बाइक मिसिंग कर रही है, इसका फ्लूइड इंजेक्टर जो है वो क्लीन करना पड़ेगा। टैंक को बाहर निकालेंगे फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं पूरा ओपन किया है साइड पैनल्स इसके दोनों साइड पे। गाड़ी बहुत मिसिंग कर रही है तो एक बार सब फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं टैंक साइड में रखा है, पूरा निकाल दिया है। हम ये पार्क निकालेंगे, थोड़ा क्लीन करके आपस से लगाएंगे, चेक करेंगे। ये नया डाला था वैसे भी तो अच्छा ही है कंडीशन, जरा क्लीन करके लगा देंगे आपस से। इंजेक्टर को क्लीन करके हमें लगा दिया आपस से। पार्क प्लग यहाँ पे क्लीन करके लग चुका है यहाँ पे दोस्तों। अभी इसका इंजेक्टर भी निकालना है, टेपेट भी सब निकाल गए, एक बार चेक करना है। आप देख सकते हैं ये फ्यूल इंजेक्टर जहाँ पे फ्यूल पास होता है, तो इसे हम क्लीन करके लगा देंगे। ये देखिए आप देख जो दिख रहा है यहाँ पे फ्यूल पास होता है। ये फ्यूल से फ्यूल इंजेक्टर अभी क्लीन किया तो फिक्स कर रहे हैं, फिक्स हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे जो सेटिंग था यहाँ पे इसे हम लगा देंगे, इस तरफ लगा देंगे। ये होम जो दिख रहा सामने यहाँ पे लगा देंगे। हो गया तो ये फिर इंजेक्टर दोस्तों लगा रहे हैं, इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हम जो टाकी है वो फिक्स कर देंगे। ये भी इंजन सेटिंग हो रहा है ना, टाइप इट सेटिंग हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर ई कर होता है, इसके अंदर टी प्रॉपर टी कर जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए मैच। जरा सा ऑयल लीक है इसके लिए जरा सॉल्व करेंगे। लाइनिंग होती है वो लाइनिंग हो गया, और ये टैपेट भी जरा सा सेटिंग करेंगे। ऑयल से ऐसे लीक या फिर ऑयल लीकेज था तो इसे सॉल्व करेंगे हम। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा टैपेड होता है, ये टैपेड है, एक तो क्लियरेंस होना ज़रूरी है। इसे भी सेट करेंगे पूरा प्रॉपरली। टैपेड सेटिंग हो रही है दोस्तों। इस दोनों तरफ का टैपेट सेटिंग चेंज से टैपेट सेटिंग करना जरूरी है। इस साइड का यहाँ का इधर का ये भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं टैपेट सेटिंग हो चुका है जो क्लियरेंस होना चाहिए जितना 6 mm का वो कर दिया है। और अभी यहाँ पे सोल्यूशन लगा के इसे फिक्स किया जाएगा उसके ऊपर का कैप। ये देखिए आप देख सकते हैं सोल्यूशन लग रहा है। और ये अपने भाई एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं, दिल से मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके लिए भाई को शुक्रिया बहुत बहुत। आप यहाँ से कर सकते हो सेटिंग। ओके चेक करना है ना। इसका बर्बाद हो गया
पूरा लाइट का सेटिंग यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, फ्यूज पूरा, एयर फिल्टर निकाल के चेक करेंगे, थोड़ा क्लीन करेंगे, जैसे लास्ट सर्विस में इसे चेंज किया था, और भी सही है, थोड़ा क्लीन करेंगे यहाँ से एयर से ज़रा प्रेशर से, और उसे और लगा देंगे रिप्लेस करेंगे ऑफिस में, तो इसी को लगा देंगे। और दीप रंजन भाई को शुक्रिया बहुत बहुत, और TVS कंपनी को भी थैंक्स फॉर गिविंग द परमिशन टू शूट। तो अभी पेमेंट गाड़ी अभी वॉश चले जाएगी, सर्विस हो चुका है, और उसके बाद क्या एक्सपीरियंस आता है देखते हैं, आपको बताएंगे। फैसला होकर आ चुकी है हमारी बाइक, जाएगी डायरेक्ट वॉशिंग के लिए जा रही है डायरेक्ट, उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। तो हमारा टोटल बिल आप देख सकते हैं, हमारा टोटल बिल 1187 रुपीज़ आया है, जिसमें हमने ऑयल चेंज किया, नॉर्मल जो करते हैं ऑयल फिल्टर भी चेंज करते हैं, और जो एक्स्ट्रा किया है वो इंजन प्लग किया है, बाकी सब तो लास्ट सर्विस फोर्थ सर्विस में हो चुका था, स्पार्क प्लग चेंज, फिर एयर फिल्टर, और साथ जो कैप होता है वो भी चेंज हुआ था, स्पार्क प्लग का कैप। तो दोस्तों अभी जो मिसिंग था वो फ्यूल इंजेक्टर भी हमने क्लीन कर दिया है, और आप देख सकते हैं हमारे सामने ये गाड़ी वॉश होकर आ चुकी है। तो होप इंजन मिसिंग का जो था वो सॉल्व हुआ रहेगा। तो चलिए मिलते दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।